सो हेलो गाइस, आई एम रेजिंग थंडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसी है अपनी थंडर आर्मी? सो गाइस, आई होप आप सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। और आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों उतरा। आपको तो पता ही यार, यहाँ पे एक सीक्रेट बंकर है। मुझे भी पता है इस बारे में, बट मैं कभी आया नहीं था। और मैं ऐसी ये जो फर्जी टिकटॉक हुआ है ना, क्या कहते हैं, वीडियोस और ये जो ऐप्स आए, मैं वो स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिख गए ये वाली वीडियो, तो मैं आ गया और इसी बहाने करेंगल भी खेल लिया। और रही बात हमारे गेम प्ले की, तो मैं वहाँ से लूट पुटा के ये घिसी पिटीज गन्स लेके मैं आ जाता हूँ इस पोचिंग की में। और मैं घुसते के साथ ही पहले देता हूँ बोट फायर। और भाई यकीन मानो, बोट फायर बहुत तगड़ा ट्रैप है, सही बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर वेट करा कि कोई हो, बट यहाँ पर जब तक कोई नहीं आया तो मैं इस सामने वाले घर में आ गया। और यहाँ से मैंने उठाया अपना लाल दुलारा और ग्रेनेड। और ये देखो भाई, ये होता है किल के भूखे भाई, मतलब कि मारने के लिए दरवाजों में भी अटकने को तैयार है भाई ये बंदे। और आपको तो पता ही है कि कोई भी डैमेज हो तो कहाँ जाके बैठता है, ऑफकोर्स ये बात। यहाँ पे ये बैठा, मैंने इसकी थोड़ी बहुत गन वन ली और मैं आ जाता हूँ इस वाले घर में। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, ये दूसरा किल मत पूछना कहाँ से, ऑफकोर्स ही बात है यार बोट। और इस बंदे की कैंपिंग देखना भाई, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे स्क्रेट के बाद भी दिख गया है थोड़ा सा। और मुझे ये नहीं समझ आता कि अपने भाई बंदे पूरी की पूरी बॉडी एक्सपोज क्यों रखते हैं। ये सोचते हैं कि हल्का सा पीक करेगा मैं मार दूंगा, ये क्या सीन है भाई तुम्हारा? तुम ये बता दो, ऐसा मत करो। देखो, और हाँ गाइस, एक अनाउंसमेंट और करनी थी। फटाफट से मेरे ना डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाओ। डिस्कॉर्ड सर्वर का ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट आओ, अनाउंसमेंट लो, बहुत सारे गिव अवेज भी किया करेंगे। कुल मिला के ना मज़ा इंटू 100 करने वाले हैं। एंड भाई, वहाँ से कूद के मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मुझे डैमेज पड़ता है। और मारता कौन है? अपने कैंपर बबुआ। एंड इनको मैं इतना डैमेज देता हूँ, ये इतने में नॉक नहीं होता। और भाई मैं यहाँ पे हल्का हल्का पैनिक कर जाता हूँ, पर मैं यहाँ पे प्रोनेंट शूट करता हूँ और फाइनली इस बंदे को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। और हाँ, इस गेम प्ले में आपको स्नाइपर शॉट्स भी भाई बहुत तगड़े तगड़े मिलने वाले हैं। और यहाँ से मैं अपनी काम की चीज़ उठाता हूँ। और पहले तो देखो भाई, जाहिर सी बात है, कोई बंदा इतना डैमेज और पैनिक सिचुएशन में किसी को मारे ना, फटती तो ज़रूर है। तो इसलिए मैंने पहले गेट बंद करा। और अपनी राज दुलारी कार 98 के लिए एक 4X और अपने लिए एक M4 ले ली। एंड वहाँ से मैं एक बोट को और मारता हूँ और मैं आ जाता हूँ ये लूटने। और भाई लिटरली मुझे मेरी राज दुलारी मिल चुकी होती है, जो ओरिजिनल मेरी राज दुलारी है। तो यहाँ पे मैं अपनी ले लेता हूँ AWWM। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, ये लेने के बाद तो इतना भयंकर जोश चढ़ाना भाई, लिटरली इतना भयंकर जोश चढ़ा कि सारे बंदे मुझसे डरने लग गए और कोई मेरे सामने ही नहीं आया बहुत देर तक। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत देर तक कोई मेरे सामने ही नहीं आया। और एक बंदा मिला और उसको देखो भाई कैसे डरते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई दिखा नहीं, बट यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है। और उस बंदे को मारने से पहले ये देखो, चटाक हेडशॉट और ओपी हेडशॉट्स। और ये बोट भी आ जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं इतना डैमेज कैसे दे के चले जाते हैं। वैसे ऑलरेडी मेरी हेल्थ कम थी और यहाँ पे तो चलो हमको फोकट के 2 किल मिल जाते हैं। बट और हाँ गाइस, मैं बता दूँ कि ये मेरा एक सुबह का गेम प्ले है, ये जो मैंने आज सुबह ही खेला है। नहीं, आज सुबह नहीं, हाँ आप देख रहे हो कल, इसका मतलब आप जो देख रहे हो गेम प्ले, ये बस एक दिन पुराना है। ये गेम प्ले मैंने एक दिन पहले सुबह 6 बजे खेला था एक्सरसाइज करने के बाद, जो कि एक्सरसाइज आपको भी करनी चाहिए, करा करो ब्रो, मेरी तरफ फुर्ती आ जाएगी, स्नाइपिंग भी कर सकते हो। एंड गाइज, यहाँ से मैं निकलता हूँ और मुझे एक बंदा दिखता है जो कि बगी चेंज कर रहा था। और अपना स्नाइपर बाबू भाई, हम तो स्नाइपर है। एंड यहाँ पे उस बंदे को चलती हल्की सी जो थोड़ी स्लो थी, उससे हम उस बंदे को AWWM से उड़ा देते हैं। और फिर यार जाहिर सी बात है, देखो अगर मारने में इतनी मेहनत करे तो भाई लूट भी तो चाहिए होती है ना, है ना? बात तो गलत नहीं कह रहा ना मैं। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करना मत भूलना। बट यार आई एम सॉरी, बट जो ये वीडियो है ये थोड़ी सी छोटी रहेगी, पर एज़ माई प्रोमिस मैं हर 2 से 1 दिन में एक वीडियो डालने की 101% कोशिश करूँगा, चाहे मुझे अपने स्कूल का काम ही क्यों ना डिलीट करना पड़े।
नहीं, स्कूल का काम नहीं डिलीट करना, नहीं बुरी बात। एंड भाई वहाँ से आपने तो देख ही लिया था, एंड थोड़ी बहुत देर में मैं थोड़ा बहुत घूमता फिरता ड्राइव मारता हुआ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं जब वहाँ से निकल रहा होता हूँ ना तो मुझे फुटस्टेप आ जाते हैं वहाँ पे, तो मैं अभी देख रहा था, पर भाई मुझे वो बंदा फाइनली दिख ही जाता है छोटा सा, और मैं उसमें एम करने की भाई बहुत कोशिश करता, और ये वही बंदा है जिसने काफ़ी देर से, मैं अगर किल फीड में, अगर आपने भी एक भी जगह चेक करा हो, इस बंदे ने किल फीड में बहुत ही ज़्यादा उधम मचा रखा था, तो उसकी वजह से एक तो ये काफ़ी मतलब हाई लेवल बंदा दिख रहा था, और इसका स्प्रे डीपी का बहुत तगड़ा था, और मैं भाई लिटरली मेरी इतनी गंदी हालत हो गई थी ना इसके सामने, मैं थोड़ा थोड़ा पैनिक करना चालू कर गया था, बट पैनिक मैं करा बट उस हद तक नहीं मैंने अपने आप को पैनिक होने दिया कि मैं उसके सामने जाऊँ और पिट के आ जाऊँ। एंड इसी दौरान मैं उसके एक ऐसे मारने कुछ करता हूँ पर ये स्लिप हो जाता है और ये पड़ता है एक बॉडी, और भाई सेकंड बॉडी में भाई का खेल खल्लास, और लिटरली अगर मैं बताऊँ ना मैं क्यों मरा, मैं एक पता नहीं कौन सा बंदा था, दूर से तो दिखा नहीं, जब बहुत पास आ गया मैं तब जाके पिटा उससे, और यहाँ से आगे से थोड़ा बहुत फायर का साउंड आया, बट लिटरली बता रहा हूँ भाई यहाँ कोई था ही नहीं, मतलब था इन घरों में थे बट उस घरों में मैं नहीं जा सकता था क्योंकि भाई समझ सकते हो आप, आगे बताने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद बस अपनी औरों की तरह कोई छोटा सा एरिया ढूंढने की कोशिश की प्रयास करी जा रही थी, बट मैं फिर भी यहीं आके रुक गया क्योंकि मेरी हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। और एक और ट्विस्ट इस चीज़ में कि मैं यहाँ पर जैसे ही आया यहाँ से मुझे आता है फायर, तो मैं वापस से घुमाता हूँ ऊपर, और ऊपर जाके मैं सोचता हूँ कि उसको स्नाइप करूँगा, बट मैं ऊपर आता हूँ भाई वो मुझे बंदा कहीं दिखता ही नहीं है। एंड गाइस जैसे कि आपने देखा मुझे तो वो बंदा कहीं दिखता नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत एटेक्स उटेक्स लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ, और भाई इस सही में शैक में ना पता नहीं क्यों हल्का हल्का सा डर भी लगता है कि कोई आके पेल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पर कुछ हो ना जाए, और यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये चिकन डिनर मेरा होने वाला है, बट मुझे क्या पता कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के हाथ मरने जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता था, यही है वो बंदा। और थैंक यू गाइस वॉचिंग माई दिस वीडियो, वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, और भाई वॉइस ओवर करा है पंखा बंद करके, लाइक करना मत भूलना, बाय।